हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई एम निशा अरोड़ा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा डाइट प्लान जिसे फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से 4 वीक्स के अंदर अपना 10 kg वेट लूज कर पाएंगे। गाइस, ये एक ऐसा डाइट प्लान है जो कि पॉकेट फ्रेंडली है, आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने, मार्केट से आपको कोई भी मटेरियल नहीं खरीदना होगा, कोई भी सामान नहीं खरीदना होगा। अपने घर की किचन में आप बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अमेजिंग खाना बनाएंगे जो कि विदिन 1 to 2 मिनट में आप कुक कर लेंगे और उसके साथ आप करेंगे 4 वीक्स के अंदर अपना 10 kg वेट लॉस। सुनने में आपको लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि 4 वीक्स के अंदर कोई भी इंसान 10 kg वेट लॉस कर सकता है? गाइज, आज तक मैंने यूट्यूब पे अपने बहुत सारे वीडियोज पोस्ट किए हैं और बहुत सारे वीडियोज में मैंने आपको प्रूफ दिखाया है कि कैसे मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो 1 महीने के अंदर 10 से 11 केजी तक का वेट लॉस करके 4 से 5 महीने में अपना 40 से 45 किलो का वेट लूज कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों को बोलूंगी कि मेरे बाकी के यूट्यूब वीडियोस देखिए। नीचे स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है, आप जाइए मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर, मुझे फॉलो कीजिए, देखिए कि कैसे मेरे जो क्लाइंट्स हैं या मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मेरे वीडियोस के साथ जुड़कर अपना इतना अच्छा और इतना अमेजिंग वेट लॉस कर रहे हैं जिसके बारे में कोई भी इंसान सोचता है तो उसको पहले वो चीज नामुमकिन लगती है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रूफ लेकर आई हूं जिसमें मेरी क्लाइंट खुद आपको बताएगी कि कैसे उन्होंने 1 महीने के अंदर अपना 10 kg वेट लॉस किया है। तो चलिए, आइए सबसे पहले हम मेरी उस क्लाइंट रेखा जी, उनका वीडियो देखते हैं जिससे कि आपको ये वीडियो या ये डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। हाय, मेरा नाम रेखा है, मैं हरियाणा से हूँ। मैंने अपना 38 दिन में 10 kg अपना कम किया है और 1.5 से 2 इंचेस मैंने मतलब फुल बॉडी से अपना कम भी किया है। ये सब हुआ निशा मैम की वजह से। मैं उस बंदी के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। वो बंदी सच में मैजिक है, सच में जादू है। मैं पहले उनकी वीडियोस देखती थी, मेरे को ये नहीं लगता था कि भी ऐसा भी हो सकता है। हाँ, एक बार मैंने उनकी वीडियोस यूट्यूब से देख के मैंने अपना 8-9 किलो पहले कम किया है, पर मेरे को ये था कि मेरे को अपना वेट 8-9 kg, 15 kg, 10 kg कम नहीं करना। मेरे को अपना वेट करीबन 30 से 35 kg अपना कम करना है, जो कि मेरा ड्रीम वेट है जहाँ तक मेरे को जाना है। पर ये सब मेरे को करना है वो मेरे को निशा मैम के साथ जुड़ के करना है। मैं निशा मैम के साथ जुड़ना तो करीबन 2 साल पहले से ही चाहती थी, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। कई बार होते हैं मैम के पास बहुत ज़्यादा मतलब क्लाइंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो मैसेज का जवाब नहीं दे पाती। लेकिन लकी था मेरे लिए वो दिन जिस दिन मैम ने मेरा रिप्लाई किया, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ अपना वेट कम होने की वजह से। मेरे हस्बैंड मतलब बात बात पे मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड मेरे को बोलने लगे हैं कि हाँ, आप थोड़ा पहले से कम हो गए हो। मतलब 10 kg कम होने के बाद मेरे को इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो जब मैं अपना ड्रीम वेट पे पहुँच जाऊँगी तब तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसे बोला नहीं जा रहा, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड थैंक यू सो मच स्पेशली मैम की जो भी रेसिपीज़, जो उनकी रेसिपीज़ होती है जो खाने में वो देती है, सुबह शाम दोपहर लंच जितना भी वो देती है, वो इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब बंदा भूखा नहीं रहता। ऐसी रेसिपीज़ बहुत सारी तो मेरी फेवरेट्स हो गई और मैं मतलब उस दिन का वेट करती हूँ कि किस दिन वो दिन आए और मैं वो रेसिपी बना के खाऊँ। बहुत बहुत यमी होती है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी मेरे को एक वीडियो और बनानी है जो कि मैं अपने ड्रीम वेट पे पहुँचने के बाद बनाऊँगी। शायद आप ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखे आपको, मैम से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये है मेरी क्लाइंट रेखा,
जिन्होंने अपना 1 मंथ के अंदर 10 kgs वेट लॉस कर लिया और वीडियो में ये बता रही है कि बहुत जल्दी ये अपना फुल ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। रेखा जी ने जब ये वीडियो मेरे साथ शेयर किया था और मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था तब मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इनका डाइट प्लान मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अभी तक रेखा ने अपना 16 kgs वेट लॉस कर लिया है 2.5 महीने में और 3 महीने के बाद हम रेखा का एक और ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाएंगे जिसमें मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि रेखा अपना कम से कम 20 kgs वेट लॉस करेगी और वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब मैंने रेखा का वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि इनका डाइट प्लान आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, तो उसी चीज से मोटिवेटेड होकर मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपने उन सारे क्लाइंट्स के डाइट प्लान्स शेयर करूं जो कि बहुत अच्छा वेट लॉस करते हैं ताकि आप इन वीडियोस के सहारे आप इन वीडियोस की हेल्प से अपना अच्छा वेट लॉस कर सके। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर गुस्सा भी करते हैं, इवन कभी कभी गुस्से में गालियां भी निकालते हैं कि मैम हम लोग पे करने के लिए रेडी हैं लेकिन आप हमें डाइट प्लान क्यों नहीं दे रही या आप हमें अपने साथ क्यों ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं एक जिम की ओनर हूं, मैं अपना जिम भी संभालती हूं, इसी के साथ मैं एक यूट्यूबर हूं, एक इंस्टाग्रामर हूं, एक मदर हूं, एक बिजनेस वुमन हूं और मेरे बहुत सारे काम होते हैं और सबसे बड़ी चीज ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं लोगों का वेट लॉस करवाती हूँ जिस वजह से मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ ऐड करने की बजाय ये सोचती हूँ कि कुछ लोगों के साथ काम करूं, उनका अच्छा वेट लॉस कराऊं, फिर मैं बाकी क्लाइंट्स को ऐड करूं। सो तब तक जब तक मैं आप लोगों को ऐड नहीं करती हूँ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर यूट्यूब पर अपने बहुत ही अमेजिंग से डाइट प्लान्स, अपनी टेस्टी और हेल्दी और साथ ही साथ 2 से 5 मिनट में बनने वाली इजी कुकिंग रेसिपीज लेकर आती हूँ, साथ ही साथ अपने ढेरों फैट कटर ड्रिंक के वीडियोस लेकर आती हूँ जो कि आपकी बॉडी से बहुत ही अमेजिंगली आपका फैट कट करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए ऐसे वर्कआउट के वीडियोस लेकर आती हूँ जो कि आपका जल्दी वेट रिड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप मुझे YouTube पे पहली बार देख रहे हैं तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए गाइस ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले। मेरे सारे क्लाइंट्स जो कि इतना अमेजिंग वेट लॉस कर रहे हैं एंड दे आर सो हैप्पी आफ्टर रिड्यूसिंग देयर वेट, उनके डाइट प्लान्स आपको मिल सके और जब आप वेट लॉस करें तो आप भी अपने अपनी पिक्चर्स जो है मेरे साथ इंस्टाग्राम या फिर मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें और उन्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए मुझे ढेरों वीडियोस लेकर आने हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं अमेजिंग वेट लॉस करने में। सो गाइज आज का ये वीडियो है रेखा जी का डाइट प्लान जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा रेखा जी बहुत ज्यादा खुश है और खुश होना बनता है, मैं हर वीडियो में ये लाइन बोलती हूँ कि जब एक इंसान कुछ अचीव करता है तो उसकी खुशी या तो उसकी होठों की मुस्कान से जाहिर होती है या उसकी आंखों के आंसुओं से। तो खुशी किसी भी तरीके से बयान की जा सकती है, चिल्ला कर, डांस करके, स्माइल करके या रोकर, हर एक इंसान का अपना अंदाज होता है। इस टाइम रेखा जी बहुत ज्यादा खुश है अपना 16 kgs वेट लॉस करके और शायद मैं उनसे ज्यादा खुश हूं कि वो मेरी क्लाइंट है, इतनी हार्ड वर्किंग पर्सन जो है मेरे साथ जुड़ी, उन्होंने इतना अच्छा वेट लॉस इतने कम समय में करके दिखाया। सो मैं अपने हर डाइट प्लान को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन समझाती हूँ, वो आप हर वीडियो में देखते हैं तो मैं यहाँ पर आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी बोरिंग फील करते हैं। सिंपल सी चीजें समझाऊंगी कि आपको इस डाइट प्लान के साथ कम से कम 13 से 14 ग्लास पानी पीना है, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज गाइस कि आपको अपनी नींद पूरी लेनी है। देखिये लाइफ में परेशानियां भी आती हैं, हम लोग इतना अपने काम से नहीं थकते जितना हम लोगों की नेगेटिव बातों से या अपनी लाइफ में होने वाली परेशानियों से थकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, अल्लाह सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं है, उस वक्त पे बैठ के सोचें कि आपको अपने लिए क्या करना है। आपके आसपास के लोग आपको हर तरह की एडवाइस देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा कर लो, शायद सिचुएशंस जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन आपसे बेटर आपकी लाइफ को कोई और जो है नहीं चला सकता। सो बेटर है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छे से सोएं, अच्छे से पानी पिएं, हेल्दी खाना खाएं और सबसे बड़ी चीज अपने माइंड को पॉजिटिविटी की खुराक देते रहें। ये एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आप इसको रोज अपने अपने अंदर भर के रखते हैं, आप इसको रोज जो है कंज्यूम करते हैं, पॉजिटिविटी को अपने साथ जोड़कर रखते हैं, तो यकीन मानिए आप लाइफ में कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आज जितने भी लोग कामयाब है, सक्सेसफुल है, चाहे वो कोई लड़की है, चाहे वो कोई लेडी है या कोई भी इंसान इस दुनिया का है,
सबसे पहले उसने लोगों की नेगेटिव बातों के पीछे छोड़ा है। मैं जानती हूँ जब एक इंसान मोटा होता है या वो देखने में खूबसूरत नहीं दिखाई देता तो लोगों की बातें उनको बहुत चुभते हैं। एक वक्त में मेरा वजन भी 100 किलो के करीब था और उस वक्त जब मुझे मैं अपने आप को आईने में देखती थी तो मुझे भी अपनी बॉडी पे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था। आज मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ, विदाउट स्लीव्स भी पहनती हूँ, वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनती हूँ और मैं अपने आप को मिरर में देख के बहुत पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। लेकिन इन सब चीजों को अचीव करने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों की नेगेटिव बातों को पीछे छोड़ के अपने ऊपर काम किया और आज मैं आप लोगों के सामने एक सक्सेसफुल यूट्यूबर भी हूँ और एक जिम की ओनर भी हूँ और साथ ही साथ इतने लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन भी हूँ। सो गाइज, आई होप कि आप मेरे इस छोटे से मैसेज को सीरियसली लेंगे और इस डाइट प्लान को बहुत ही ईमानदारी से फॉलो करेंगे, अपना बहुत अच्छा वेट लॉस करेंगे। सो ये छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी लाइफ में फॉलो करते जाइए और फिर इस डाइट प्लान को आप फॉलो करके देखिए, आप खुद कहेंगे कि आपने अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से चेंज कर दिया। सो इस डाइट प्लान को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज अपने आप से प्रॉमिस करनी है कि 1 मंथ तक चाहे जो भी हो जाए मैं प्रॉपर तरीके से इस प्लान को फॉलो करूंगी। एवरी डे मैं अपना वेट चेक करूंगी, खुद को मोटिवेट करूंगी मशीन पर चढ़ते टाइम, वेइंग स्केल पर चढ़ते टाइम कि यस मैंने कल बहुत अच्छे से स्पेंड किया है, खाना अच्छे से खाया है, पानी अच्छे से पिया है, नींद अच्छे से लिया है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। और आप देखेंगे कि वेइंग स्केल पर जादू हो जाएगा और ये जादू मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ किया है, इवन अपने ऊपर भी किया है। सो इसीलिए इस डाइट प्लान में आपको डेली आपका वेट जो है वो चेक करना है। आप एक चीज का ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि हम अपना वेट कब चेक करें, मतलब हम सुबह उठते पहले वेट चेक करें, हम वॉशरूम जाएं उसके बाद करें, या हम ब्रेकफास्ट के बाद करें या इवनिंग में करें। बहुत सारे लोग जब मॉर्निंग में वेट चेक करते हैं उसके बाद इवनिंग में चेक करते हैं तो वो सैड फील करते हैं कि हमारा वेट बढ़ क्यों गया, सुबह तो कम था। तो वेट चेक करने का जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो ये होता है कि आप सुबह उठें, पहले 2 से 3 ग्लास आप वार्म वाटर लें, आप वॉशरूम यूज करें और वॉशरूम यूज करने के बाद आपको आपका वेट चेक करना है। और इस डाइट प्लान में भी आपको ऐसे ही करना है। आपका वेट चेक करने के बाद बारी आती है आपकी मॉर्निंग ड्रिंक की। तो चलिए आइए चलते हैं मेरी किचन में और सीखेंगे कि ये अमेजिंग सी फैट कटर ड्रिंक आपको कैसे बनानी है। इस सुपर फास्ट और अमेजिंग वेट लॉस ड्रिंक को बनाने के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का। मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 चुटकी हल्दी, इसी के साथ हम लेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा और तीसरा मेन इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करने वाले हैं 1/2 चम्मच अजवाइन। गाइज, जब इस तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया जाता है ना तो ये आपको अमेजिंग वेट लॉस के रिजल्ट्स देते हैं। दैट्स इट, अब इसके अंदर हम डालेंगे वार्म वाटर और पूरी रात भर के लिए हम इसको ढक के छोड़ देंगे। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको इस पानी को दोबारा से गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको छानिए एज इट इज़ और इसको आप कंज्यूम कर लीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई करेगा और आपको बहुत अच्छे से वर्कआउट करने में या आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ या डेली रूटीन में आप जो भी काम करते हैं उसको करने में भी आपको हेल्प करेगा, आपको अच्छी एनर्जी भी देगा। तो ये एक ऐसी ड्रिंक है जो वेट लॉस तो करेगी ही, आपकी काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्योर करने में भी आपकी हेल्प करने वाली है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि सुबह इसको आपको गर्म नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी का मौसम चल रहा है, तीनों इंग्रेडिएंट्स गर्म हैं तो आप इसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये आपकी बॉडी में गर्मी कर सकता है और इस वजह से आपको मुहासे या घमोरियाँ हो सकती हैं। तो इस अमेजिंग ड्रिंक को बनाएं और सुबह इसको छान के एज इट इज़ पी लीजिए, जो कि आपको बहुत ही अच्छा वेट लॉस इस डाइट प्लान के साथ देने वाली है। दोस्तों, ये अमेजिंग सी फैट कटर ड्रिंक आपको ट्राई करनी है, कि आपको जरूर लेनी है। ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगी, आपके जो है डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करेगी और बहुत सारे आपके हेल्थ इश्यूज जो है ना उसको क्योर करने में आपकी हेल्प करेगी। इस फैट कटर ड्रिंक को लेने के बाद आपको करनी है थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी। आप कुछ भी करें, वॉक कर सकते हैं, आपको एक्सरसाइज करना पसंद है आप वो कीजिए, साइकिलिंग करना पसंद है आप वो कीजिए, रनिंग करना पसंद है, जिस तरह की फिजिकल एक्टिविटी आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरे ढेरों एक्सरसाइजेस के वीडियोस हैं, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप उन वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे दिन के सबसे पहले मील की, जो कि होगा हमारा ब्रेकफास्ट, जो कि आपको बिल्कुल टाइम से करना है। सुबह आपको 8 से 8:30 बजे के बीच में अपना ब्रेकफास्ट जरूर कर लेना है और बिल्कुल भी खाली पेट ना रहे। ब्रेकफास्ट छोड़ने से अगर आप ये सोच रहे हैं कि वेट लूज कर लेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपका वेट लूज हो या ना हो गेन जरूर हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ
एक बहुत ही अमेजिंग सी बेसन के चीले की जो रेसिपी, जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे, बट ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और इसको खाकर आप फुलर फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप इस डाइट प्लान में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मेरी किचन में, सीखते हैं कि ये बेसन का चीला आपको कैसे बनाना है। चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सा चीला। यहाँ पर इस चीला को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ 2 से 3 चम्मच बेसन का। अगर आपको इसमें इसको कुरकुरा बनाना है तो आप इसमें थोड़ी सूजी भी डाल सकते हैं 1 चम्मच के करीब। अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कुछ सब्जियाँ और इन सब्जियों में मैंने इस्तेमाल किया 2 से 3 चम्मच कद्दूकस की गई गाजर। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। ये सारी ही सब्जियाँ जो हैं इसको कलरफुल तो बनाएंगी, अमेजिंग टेस्ट भी आपको देंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं इसमें डालने वाली हूँ ना वो है बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, जिसकी वजह से ये थोड़ा क्रंची बनेगा। आप चाहें तो अपनी पसंद की या आपके आसपास जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने सॉल्ट डाला है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है। और इसके साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, बहुत ज़्यादा नहीं, ये मैंने आधा चम्मच से भी कम जीरा का इस्तेमाल किया है। और साथ में एक पिंच मैगी मसाला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और खाने को थोड़ा सा टेस्टी बनाता है। और इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन और जीरा इस चीले के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे और आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगा। अब इसमें पानी डालिए और बस फटाफट से इसका एक बैटर बना लेते हैं। कुछ इस तरह का बैटर इसका बन जाएगा। बहुत ज़्यादा आपका बैटर जो है पतला नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें, पतला रखेंगे तो चीला तवे पे फैल जाएगा। मैं आपको बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो चलिए अब पैन में मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा घी। मैं मोस्टली चीला देसी घी का इस्तेमाल करके बनाती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे किसी भी ऑयल का, ऑलिव ऑयल का या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से बैटर को तवे पर जो है या पैन पर आप फैलाएं और जैसी भी शेप बनती है मैटर नहीं करता, बस ये हमारे पेट में जा रहा है और ये हेल्दी है ये मैटर करता है। अब इसको फ्लिप करते हैं, आप इसका कलर देखिए कितना अमेजिंग आया। और आपको पता है कि ये जो क्रिस्पीनेस इस चीले के ऊपर आपको दिखाई दे रही है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ पत्ता गोभी। ये जो कैबेज है ना, ये इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर देती है और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, मैं भी बहुत बार बनाती हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है बेसन का चीला। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। वैसे तो मैंने आपको ऑप्शंस में और चीला ऑप्शंस भी दिए हैं, बट एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब फटाफट से दूसरा चीला भी हम बना लेते हैं। और पैन में वही ऑयल, मैंने उतना ही ऑयल आधा चम्मच के करीब दोबारा से डाला है। और अगर आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आधा चम्मच ऑयल भी दूसरे चीले के लिए नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए हमारा दूसरा चीला भी रेडी हो गया है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे दही का। तो मैंने एक छोटी कटोरी जो है हाफ बॉल कर्ड लिया है, जिसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स और सॉल्ट डाला है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जब आप इसको दही के साथ या चटनी के साथ खाएंगे बहुत मज़ा। बारी आती है कि इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है। आप जो है 1.5 से 2 स्मॉल बेसन के चीला ले सकते हैं, 1 छोटे कप दूध के साथ, जिसमें आपको चीनी नहीं डालनी है। आप सौंफ या इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको टेस्टी बनाने के लिए, आपके दूध को थोड़ा सा फ्लेवर्ड बनाने के लिए, लेकिन ट्राई करें कि आप इसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको बेसन का चीला रोज रोज नहीं खाना तो मेरे चैनल पर आपको पालक रवा चीला, ग्रीन मूंग दाल चीला, येलो मूंग दाल चीला, ओट्स का चीला, ढेरों चीला रेसिपीज मिल जाएंगी। आप इनमें से कोई एक चीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आपको मेरे चैनल पर 7 सैंडविच रेसिपीज मिल जाएंगी। आप इनमें से कोई भी एक सैंडविच जो है अपने डाइट में विद मिल्क ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये थी बारी हमारे ब्रेकफास्ट की। हर मील के बाद आप कोशिश करें कि हर मील को खाने के 40 टू 45 मिनट्स के बाद आप पानी जरूर कंज्यूम करें और अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में जो पानी है आपको इस डाइट प्लान के साथ लेना ही है। अब दोस्तों बारी आती है हमारे मिड मॉर्निंग मील की। मिड मॉर्निंग मील में आपको लेनी है 1 कप ग्रीन टी। आप चाहें तो मेरे चैनल पर मेरी होममेड ग्रीन टी आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग है वेट लॉस करने के लिए। बट अगर आपके पास होममेड ग्रीन टी बनाने का टाइम नहीं है तो आप कोई भी एक ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ आपको खाना है 1 एप्पल। क्या आप जानते हैं कि सेब खाने के क्या फायदे हैं? आइए जानते हैं।
दोस्तों सेब में काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको हार्ट डिजीज़ से बचाते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो पूरे दिन भर में आपको एक सेब ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये आपको पूरा दिन भर एनर्जेटिक बनाए रखते हैं और आपको ओवर ईटिंग नहीं करने देते, क्योंकि आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। इसीलिए आपको सेब ज़रूर खाना है। सो गाइज, अभी बहुत अच्छे एप्पल्स आ रहे हैं मार्केट में। आई होप इतने फायदे जानने के बाद आप ये मील बिल्कुल भी नहीं स्किप करेंगे। तो वो कहा जाता है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है। मैं रोज अपनी डाइट में एक एप्पल कंज्यूम करती हूँ और मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि आपको ये जरूर खाना चाहिए। दोस्तों अब बारी आती है हमारे दिन के तीसरे मील की, यानी कि हमारे लंच की। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मील है। आधा दिन निकलने के बाद हमें खूब जोरों से भूख लगी होती है और जैसे जैसे दिन ढलता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ये देखा है कि सुबह से लेकर शाम तक वो बहुत अच्छे से प्लान को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही रात का वक्त आता है उनका डेडिकेशन टूटता है और वो ऊट पटांग चीजें खा लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने डाइट प्लान्स में आपको हैवी मील्स देती हूँ ताकि एंड तक आते आते आपको भूख नहीं लगे और आप बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करें। तो आपको लंच में एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अरहर और पालक की दाल। इसको बहुत ही अलग तरीके से हम बनाने वाले हैं जो कि आपको फुलर फील कराएगी, टेस्टी बहुत ज्यादा है, प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है, आपको अमेजिंग वेट लॉस देने वाली है। तो चलिए आइए चलते हैं मेरी किचन में, देखते हैं कि ये वेट लॉस दाल आपको कैसे बनानी है। चलिए बनाते हैं हमारी अमेजिंग वेट लॉस दाल। इस दाल के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है अरहर की दाल, जिसे सांभर में इस्तेमाल किया जाता है, और 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे पानी में अच्छे से वॉश करके भिगोकर छोड़ दिया था। अब हम कुकर में पानी डालते हैं और जैसे ही हमारा पानी गर्म हो जाएगा हम इसमें हल्दी और नमक डालेंगे बस, और हमें कुछ नहीं डालना। दाल को पकाने के लिए ये दो ही चीज़ें हमें चाहिए। अब इसके अंदर हम दाल को जो है पानी से निकाल के इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपने उतनी ही व्हीसल्स लगवानी है कि आपकी जो दाल है वो अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो जाए, अच्छे से पक जाए। फटाफट से रेडी कर लेते हैं इसका तड़का। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो भी खाना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने डाल दी है थोड़ी सी हींग, जो कि इसको बहुत अच्छा एरोमा देने वाली है। साथ ही मैंने डाल दिया राई। राई जब इस दाल में डाली जाती है तो इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देती है। और साथ ही मैंने इस्तेमाल किया है थोड़ा सा जीरा। जब ये तीनों चीज़ें अच्छे से पक जाएं तो हम इसके अंदर डालेंगे दो सूखी लाल मिर्च और कुछ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को प्लीज़ वॉश करके डालें, क्योंकि जो है इन पर भी कभी कभी जो है मिट्टी या फिर पानी की बूंदें बारिश की वजह से इन पर रह जाती हैं, तो आप इन्हें अच्छे से वॉश करें। 2 से 3 मिनट इसको पकाने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी प्याज। आप देखिए मैंने आधा जो है छोटा प्याज बारीक काट कर इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा प्याज मैंने नहीं डाला, क्योंकि 1 से 2 पर्सन के लिए ही हम इसको बना रहे हैं, तो इसलिए तड़के के लिए सामान भी उतना ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी शिमला मिर्च डाल दी है, जो कि इसको बहुत अच्छा टेस्ट देने वाली है, बहुत अमेजिंग बनेगी आपकी ये दाल। आपके पास शिमला मिर्च अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे पालक डालिए, पालक से भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 हरी मिर्ची लंबी काट कर। अगर आपको तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप हरी मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रफली चॉप्ड टमाटोज डाल दिए हैं। अब एक बार इसको अच्छे से हम पका लेते हैं, और टमाटर को गलने के लिए हमें उसमें नमक डालना ज़रूरी होता है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा नमक और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक। मुझे चिली फ्लेक बहुत पसंद है तो मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में इसको यूज़ करती हूँ। आपके पास नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं आप। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे जो सब्जियाँ हैं वो पैन के साथ चिपके नहीं और हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। थोड़ी देर तक इसको पकाते हैं और जब ये अच्छे से गल जाएगा दैट मीन्स हमारा जो तड़का है वो रेडी हो गया। दूसरी तरफ दाल देख लेते हैं। ये देखिए मैंने बोला था उतनी व्हीसल्स लगवाएं कि आपकी दाल अच्छे से गल जाए। तो हमारा तड़का भी रेडी हो गया और हमारी दाल भी बॉयल हो चुकी है। दोनों को करते हैं हम मिक्स और ये हमारी अमेजिंग सी अरहर की वेट लॉस दाल जो है बनके रेडी हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देने वाली है। बस आप बिना रोटी के भी खाएंगे ना तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एक बड़ी प्लेट सैलड के लीजिए, इसको इन्जॉय कीजिए, और जब भी कोई दूसरी दाल या कोई भी बोरिंग खाना खाने का मन नहीं करे, इस दाल को बनाएं, अपनी डाइट में ऐड करें। ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त वेट लॉस देगी, प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो इसको ज़रूर एक बार ज़रूर बनाएं। अपने जो ऑप्शंस में देती हूँ आप स्किप कर करके चेंज कर करके भी चीज़ें खा सकते हैं इस डाइट प्लान के अंदर। दोस्तों इस डाइट प्लान में मैंने आपको लंच में चपाती नहीं दी है,
आपको एक कटोरी दाल के साथ एक बड़ी प्लेट सैलेड की खानी है। यकीन मानिए आपका पेट फुल हो जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने चपाती नहीं खाई है। अगर आपको एवरीडे ये सेम दाल नहीं खानी है तो आपके लिए मैं यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आई हूँ। रेखा जी को जो मैंने सबसे ज्यादा दिया था वो दिया था ये दाल, और साथ में मैं उनको बोलती थी कि ऑप्शंस में वो मिक्स वेजिटेबल ओट्स ले सकते हैं। तो आप जो है एक कटोरी मिक्स वेजिटेबल ओट्स ले सकते हैं और उसके साथ भी आपको फुल प्लेट सैलेड लेना है। ध्यान रखिए कि ओट्स को बनाते टाइम उसमें तेल और मसालों की मात्रा आप कम से कम रखें। तीसरा ऑप्शन गाइस आपके लिए ये है कि मेरे चैनल पर आपको मूंग दाल रोटी, मूंग दाल बेसन रोटी की रेसिपी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं रोटी के बिना नहीं रह सकती, मुझे तो रोटी चाहिए तभी मैं अपना वेट लॉस कर पाऊंगी। तो ये ऑप्शन उन सब लोगों के लिए है जो कि रोटी के बिना नहीं रह सकते। तो मेरे चैनल पर आपको एक जो रेसिपी है वो मिलेगी मूंग दाल बेसन रोटी की। आपको सिर्फ एक रोटी लेनी है, थोड़ी सी दही लेनी है और साथ में आप ले सकते हैं एक फुल प्लेट सैलेड की। तो ये तीन से चार ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं जो कि आप अपने इस प्लान में ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मेरे चैनल पर घिया की सब्जी की या घिया के रायता की रेसिपी मिल जाएगी। आप चाहें तो एक कटोरी सैलेड के साथ वो भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों लंच के बाद बारी आती है आपके इवनिंग मील की, तो इवनिंग मील में भी यहाँ पर आपको एक फैट कटर ड्रिंक लेनी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मॉनसून का सीजन चल रहा है और इस टाइम पे हमें हमारे फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत रहता है। तो ये जो मैं टी आपके लिए लेकर आई हूँ ये आपको फंगल इन्फेक्शन से बचाएगी, इसी के साथ साथ आपकी क्रेविंग्स को स्टॉप करेगी। शाम के टाइम जो छोटी वाली मंचिंग होती है कि ये खा ले वो खा ले, उसको स्टॉप करने में आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये इवनिंग फैट कटर ड्रिंक आपको कैसे बनानी है। शाम को चाय ना मिले तो दिन नहीं निकलता, इसीलिए ये जो मैं आपके लिए फैट कटर ड्रिंक लेकर आई हूँ वो कुछ ऐसी लेकर आई हूँ कि जो लोग चाय नहीं छोड़ सकते ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर मैंने एक ग्लास जो है वार्म वाटर ले लिया, ये एक कप है एक्चुअली। इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच चाय पत्ती, 5 से 7 मिनट में चाय पत्ती जो है इसके अंदर अपना सारा जो रस है वो सारा इसके अंदर जो है पानी के अंदर छोड़ देगी, और साथ में हम इसमें स्क्वीज़ करेंगे हाफ लेमन और इसको ढक के छोड़ देंगे। बस बहुत ज़्यादा देर तक इसको ढकना नहीं है, 4 से 5 मिनट के लिए भी आप ढक के छोड़ेंगे तो जो आपकी जो लेमन टी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बन जाएगी। यहाँ पर मैंने एक पूरा लेमन स्क्वीज़ किया क्योंकि मुझे लेमन का टेस्ट इस टी में बहुत अच्छा लगता है। आप हाफ या एक अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें डालें। और बस चलिए अब इसको ढक के हम छोड़ देते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हमारी जो टी है जो कि बहुत ही अच्छा वेट लॉस देने वाली है इस डाइट प्लान में, वो रेडी हो जाएगी। इसे एक कप में पोर करें और बस इसको गुनगुना एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा गर्म पीने की ज़रूरत नहीं है। ये टी आपके पेट के आसपास जो चर्बी जमा हो जाती है, जिन लोगों को बैक फैट होता है, बैक के पास चर्बी जमा हो जाती है, उस फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है और आपको बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस भी देने वाली है। दोस्तों अब बारी आती है हमारे दिन के सबसे लास्ट मील की, यानी कि हमारा डिनर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मील है। अगर टाइम से डिनर करते हैं तो अच्छा वेट लॉस भी आप कर पाएंगे। रात को बहुत लेट तक आप अपने डिनर को रोक के नहीं रखें कि हम 10 बजे खाएंगे 11 बजे खाएंगे, नहीं, आप अपना डिनर शाम को 7:30 से 8 के बीच में करें। और ट्राई करें कि डिनर के बाद आप जो है जाकर सीधा बेड पे ना बैठें, अपने घर के छोटे मोटे काम निपटाएं या फिर 10 से 15 मिनट की वॉक करें ताकि आपने जो खाया वो डाइजेस्ट हो जाए। डिनर में यहाँ आपके लिए मैं जो ऑप्शंस लेकर आई हूँ वो बहुत ही अमेजिंग ऑप्शंस हैं सारे के सारे। जो मैंने रेखा जी को खाने के लिए दिया उनके डिनर में वो था ओट्स पोहा। चलिए पहले तो देखते हैं कि ये ओट्स पोहा आपको कैसे बनाना है, जो कि बहुत ज्यादा डिलीशियस है और मैं इसको बहुत बार अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ। ओट्स पोहा यानी कि मेरी फेवरेट रेसिपी, चलिए फटाफट से बनाते हैं। मैंने ओट्स को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए रोल्ड ओट्स को पानी में भिगोकर छोड़ दिया था, और कुछ सब्जियां जिसको मैंने एक ही साथ यहाँ पे काट लिया है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला बस 2 से 4 मिनट में रेसिपीज़ को बनाना है तो टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर आपको ये वाले रोल्ड ओट्स नहीं मिले जो कि मार्केट से बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं, तो आप नॉर्मल ओट्स से भी पोहा बनाएं, बट उसको आपको भिगोना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने जो है ऑयल डाल दिया है और उसके साथ मैंने थोड़ी सी राई डाल दी है। राई के साथ यहाँ पर थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं और बस इन दोनों को थोड़ा सा चटकने देते हैं और उसके बाद डाल देते हैं अपनी रफली चॉप्ड वेजीज। वेजीज में मैंने मटर, प्याज, गाजर और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी और सब्जी डालना चाहें या कोई भी एक आधी सब्जी यहाँ से हटाना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब सब्जियों को पकने के लिए थोड़े से मसाले डालते हैं, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक
और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है, क्योंकि इस पोहे में गरम मसाला बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, और साथ ही में थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे रेड चिली, और बस हमारे मसाले को पकाते हैं। देखिए पैन में कहीं पे भी ऑयल नहीं दिख रहा, मैंने इतने कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। जब आपकी सब्जियाँ जो है थोड़ी सी आधी जो गल जाएँ, तो आपने पोहे को जो है पानी में से निकाल लेना है और 2 मिनट के लिए सेपरेट छोड़ देना है, और उसको सब्जियों के अंदर जो है आपने मिक्स कर देना है। अब एक लिड लगाते हैं, गैस की फ्लेम को लो करते हैं और इसको 2 से 3 मिनट हम पकने देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर देंगे, इसमें डालेंगे इमली की चटनी जो कि इसको बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देने वाली है। बस हमारा पोहा हो गया रेडी, गर्मा गर्म इसको सैलड के साथ खाओ। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि लाइफ में ओट्स जो हैं, जिन लोगों को नफरत है, वो इतने टेस्टी भी हो सकते हैं, तो इसको ज़रूर से इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों ये ओट्स पोहा सच में इतना ज्यादा टेस्टी है कि जब मैंने इसको पहली बार बनाया था अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान, तो उसके बाद से मैंने इसको बहुत बार खाया है। जब भी मन नहीं करता ना डिनर करने का, मैं यही ऑप्शन बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद को भूखा नहीं रखना। तो अगर मेरा कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं है जो मेरी डाइट में है, उस वक्त पे मैं अपनी डाइट के फूड को इस ओट्स पोहा से रिप्लेस करती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो ये आप जरूर खाइए, और इसको खाकर आपको यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप डाइट पर हैं। इतना अच्छा खाना खाने के बाद तो वैसे भी नहीं लगना कि आप डाइट पर, ऐसे लगेगा आप नॉर्मल अपने घर का रूटीन यूज कर रहे हैं, और अपने रूटीन को फॉलो करते हुए आपने अपना वेट लॉस कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आपने बोला था कि आपको मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा, तो ये ओट्स तो हमें मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। ये सही नो, आपको मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, बट आज के टाइम में हर एक इंसान के घर पे ओट्स होते हैं, क्योंकि वेट लॉस करने में ओट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारे सामने आया कि ओट्स हमें फाइबर और प्रोटीन का अच्छा सोर्स होने के साथ साथ अच्छा वेट लॉस करने में भी हेल्प करते हैं। बट अगर आप मार्केट से ओट्स नहीं परचेज करना चाहते हैं या आपको ये महंगा ऑप्शन लगता है, तो यहाँ पर आपको मेरे चैनल पर मशरूम चिली की रेसिपी मिल जाएगी। आप एक बोल मशरूम चिली ले सकते हैं, और उसके साथ आपको एक प्लेट सैलेड लेना है। अगर आप मशरूम चिली भी नहीं खाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मशरूम्स नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो एक छोटी कटोरी काले चने की चाट, जो कि आपको मेरे चैनल से रेसिपी मिल जाएगी, आप बना सकते हैं। साथ में आपको लेना है सैलेड, या फिर आप एक बॉल स्प्राउट्स का ले सकते हैं। मूंग दाल और चने के स्प्राउट्स कैसे बनाए जाते हैं ये भी आपको मेरे YouTube वीडियोस में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ये भी बना सकते हैं। और इसके साथ आपको लेना है सैलेड। और अगर आपको बहुत ही ऐसा लगता है कि आपको लाइट खाना है डिनर में, आपको हैवी चीजें नहीं खानी है, तो मेरे चैनल पर आपको 4 से 5 सूप्स की रेसिपीज मिल जाएंगी, जो कि अमेजिंग वेट लॉस करने में आपकी हेल्प करने वाली है। तो आप उनमें से कोई भी एक सूप की रेसिपी ले सकते हैं और अपना अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थे आपके मॉर्निंग से लेके नाइट तक के मील्स, जो कि मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किए हैं विद ऑप्शंस, कि अगर आपको एक चीज रोज नहीं खानी है तो आप चेंज कर करके भी खा सकते हैं। ये था हमारा आज का डाइट प्लान। इस डाइट प्लान को फॉलो करके रेखा जी ने अपना 10 kg वेट लॉस किया है, और मेरे और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपना 40 से 45 kg तक का वेट लॉस किया है। आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने आयशा जी का वीडियो डाला था, और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आयशा जी का डाइट प्लान भी आपके साथ शेयर करूंगी, और उन्होंने मेरे साथ जुड़कर अपना 45 kg वेट लॉस किया। आपको स्क्रीन पर दोनों पिक्चर्स दिखाई दे रही है आयशा जी की। नेक्स्ट डाइट प्लान मैं इन्हीं का लेकर आने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को प्लीज लाइक करें। देखिए मुझे कितना पसीना आ गया वीडियो शूट करते करते, क्योंकि जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि फैन भी नहीं चलाएं, आपको किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ सबके साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़े, अपना अच्छा वेट लॉस करें, अपने रिव्यूज हमारे साथ शेयर करें। आपके कमेंट्स का मैं वेट करती रहती हूँ। बहुत बार जब भी मैं फ्री होती हूँ तो कमेंट बॉक्स में जाकर मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आपकी हेल्प से मैंने इतना वेट लॉस किया, तब मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के लिए और वीडियोज लेकर आना। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें, ताकि लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता चल सके। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे जरूर फॉलो करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बट इस बार मैं ये भी बोलना चाहूंगी, बी पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना स्माइल करते हुए जिंदगी को गुजारेंगे, उतनी ही आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। सो गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अमेजिंग डाइट प्लान के साथ, या फिर फैट कटर ड्रिंक के साथ, या फिर मेरी अमेजिंग रेसिपी के साथ, जो कि हेल्प करेगी आपका अच्छा वेट लॉस करने में।